उनका बेटा जेल में है, किंतु एक बार भी 11 साल में बाप बेटे को मिलने दिया गया है, एक दिन भी के लिए भी पैरोल नहीं दी गई है। आप इसी से समझ सकते हो कि कितना बड़ा अन्याय आसाराम बापू के साथ हो रहा है। क्या लग रहा है कि मोदी जी गुजरात से हैं और आसाराम जी वहां उनका, किंतु जो अन्याय होता है, जो राक्षस होते हैं उनको मारा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज राक्षस से गिरे गुजरे हैं। आप पर भी कई बार इन्होंने आपको बोलने के आधार पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी थी, आप बोल रहे थे, तो आपको भी कई बार मानहानि हुई और कई तरीके। बेटा जेल में है, बाप बेटे को मिलने दिया जा रहा है, इतना अन्याय और इतना अत्याचार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और ये अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहा है, आप इस पर भी गौर कीजिए। लड़की के बारे में बताया गया है कि उस पर प्रेत का खाया है, एक बहाना बताकर सर्जन रखकर उसको जोधपुर लाया जाता है। कोई भी डॉक्टर इलाज करता है या कोई भी वैद्य इलाज करता है या कोई भी चिकित्सक इलाज करता है, उसका इलाज करने का अपना तरीका होता है, उस पर कोई आरोप नहीं लगा जाता है। डॉक्टर किसी की महिला का चीरफाड़ करेंगे या कुछ करेंगे तो क्या उसके वस्त्र नहीं हटा सकते हैं, सब उनको अधिकार होता है, किंतु इस मामले में तो कुछ हुआ ही नहीं है। देता है जैन साहब, मुकेश जी आप आए हैं, क्यों आज ऐसा आपको आना पड़ेगा जंतर मंतर? देखिए, इस 31 अगस्त को इस देश के संविधान का गला घोटा गया है। पूरी न्यायपालिका जो संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेती है, उस न्यायपालिका ने अपनी शपथ को तोड़ा है। जो हमारे नौकरशाह हैं, जो कानून के प्रति पालन करने के जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपने कानून के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको तोड़ा है। और एक निर्दोष संत को बिना किसी सत्यता के, बिना किसी गवाही के, बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है और 11 साल से जेल में रखा गया है। चलो जेल में रखो आप, पैरोल और फरलो हर कैदी का अधिकार है। उनके समधी की मृत्यु हुई, उन पर विपत्ति आई, उनका बेटा जेल में है, किंतु एक बार भी 11 साल में बाप बेटे को मिलने दिया गया है, एक दिन भी के लिए भी पैरोल नहीं दी गई है। आप इसी से समझ सकते हो कि कितना बड़ा अन्याय आसाराम बापू के साथ हो रहा है। क्या लग रहा है कि मोदी जी गुजरात से हैं और आसाराम जी वहाँ उनका कार्यक्षेत्र था और बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया उन्होंने, क्या लग रहा है कि मोदी जी डर रहे हैं उनसे? मोदी जी डरने नहीं है, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले कौन है, किसका, किसने घोषणा की थी, किसने भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी आए थे जब मुख्यमंत्री थे आसाराम बापू, उन्होंने कहा तुम प्रधानमंत्री बनोगे, और आज मोदी जी प्रधानमंत्री किसके कारण है, आसाराम बापू जी के आशीर्वाद के कारण है। किंतु इस देश में आप ये मत समझो मोदी का राज चल रहा है, इस देश में तो उस अन्याय न्यायपालिका का राज चल रहा है, उस देश में उन नौकरशाहों का राज चल रहा है जो अंग्रेजी में किटपिट करते हैं। देश स्वतंत्र है किंतु इसकी न्यायपालिका नौकरशाही सारा काम अंग्रेजी में करती है। मोदी जी पोप का हाथ चूमते हैं कई लोगों से, मोदी ने पोप का हाथ कभी नहीं चूमा, पकड़ते तो हैं, हाथ पकड़ना अलग बात है, चूमना अलग बात है, हाथ पकड़ते हैं, लेकिन बापू का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? बापू का हाथ पकड़ा हुआ है ऐसा नहीं है, किंतु मोदी जी इस मामले में असहाय हैं। क्या लग रहा है आप देख रही है, आप, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने सुधा भारद्वाज को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया, गौतम नवलखा को दिल्ली से गिरफ्तार किया, बरवरा राव को हैदराबाद से गिरफ्तार किया, आनंद तेलतुंबड़े को मुंबई से गिरफ्तार किया। 28 सितंबर 2018 की सुबह जैसे ही इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कौन, जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं, देश के 3 उच्च न्यायालय उनकी जमानत याचिका पर 4 घंटे के अंदर ही सुनवाई कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। अभी हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई है कि 3:30 बजे इन देशद्रोहियों का वकील, नक्सलवादियों का वकील, उनका उसी गैंग का एक सदस्य प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाते हैं, और दीपक मिश्रा 4 बजे उस पर सुनवाई करते हैं, और 5 बजे उन लोगों को पुलिस अभिरक्षा से छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है कि प्रधानमंत्री को मारने चले। आप देखें ना, क्या मोदी कहेंगे मुझे, मेरी हत्या करने वाले को तुम छोड़ दो? इस देश में एक रावण की लंका चल रही है, रावण का राज चल रहा है। आप देखें इनकी त्वरित कार्य, कितनी त्वरित कार्यवाही चलती है कि सुबह 6:30 बजे गिरफ्तार किया जाता है और 10 बजे कोर्ट खुलते ही उन लोगों की जमानत याचिका पर 10:30 बजे सुनवाई की जा रही है जो प्रधानमंत्री को मारने चले। क्या लगता है कि विदेशी शक्तियां हैं, पूरी विदेश शक्तियां CIA, देखिए मोदी ज्यादा चीउ चपड़ करेंगे
तो शेख हसीना वाला हल करने में बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो तो अमेरिका तरह एकदम धमकी देता है कि आप देख रहे ना कि रूस से, ये तो मोदी जी की हिम्मत है कि वो रूस से तेल ले रहे हैं जबकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। जो ये तो पूरा का पूरा गिरोह, देशद्रोहियों का गिरोह अमेरिका इंग्लैंड में चल रहा है और अंग्रेजों का राज गया नहीं है हमारे में। भारत के जो छुपे हुए शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर, इसमें अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे हैं, अंग्रेज चला रहे हैं, अंग्रेजी में राजकाज चला रहे हैं। इन लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। यदि हमें अंग्रेजी राज में जीना है, अंग्रेजी संस्कृति में जीना है, तो आजादी क्या है फिर? यदि हिंदुओं का मजबूत देश है, क्या लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इस देश से हिंदुत्व को मिटाना चाहती है? बिल्कुल मिटाना चाहती है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां। अमेरिका इंग्लैंड इसी काम में लगे हैं, पूरी पूरी ईसाई ताकतें जिनका पोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के सरपरस्ती में चल रही है, वो सारे के सारे हमारे सैनिकों को मारते हैं। नक्सलवादी हमारे सैनिकों को मारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है, किंतु जैसे ही किसी नक्सलवादी को, आतंकवादी को, ईसाई आतंकवादी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों पकड़ लाए, तुरंत सुनवाई करते हैं। तीस्ता शीतलवाड़ है जो इन आतंकवादी को सरगना है, आपने देखा हो कैसे रात के रात के शाम को 6 बजे शनिवार के दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, कोर्ट बंद हो चुका है, दो दो बार बैच बैठती है। ये पूरा का पूरा गिरोह सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा हुआ है, देशद्रोहियों का गिरोह बैठा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू साहब, उन्होंने खुद बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। कि कौन बोल रहा है? देश का कानून मंत्री बोल रहा है। तो ये का पूरा पूरा गिरोह देशद्रोहियों का सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। और यही बात हमारे रंजन गोगोई साहब जो पूर्व जो प्रधान न्यायाधीश रहे, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आधे दर्जन ऐसे लोगों ने अपने गिरफ्त में लिया हुआ है जो जजों को फिरौती देते हैं। जब तक इस गैंग का गला नहीं घोटा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे सुधरेगा, क्या क्या करना चाहिए? ये लोग सुधरने वाले नहीं है। रावण को मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, उसके नाना माल्या ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, सबने समझाया कि तुम सीता को छोड़ दो, किंतु जो अन्यायी होता है, जो राक्षस होते हैं, उनको मारा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो राक्षस से भी गिरे गुजरे हैं। आप पर भी कई बार इन्होंने आपको बोलने के आधार पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी थी, आप बोल रहे थे, तो आपको भी कई बार मानहानि हुई और कई तरीके से। मेरे ऊपर जब मैं दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेकर आया, उसकी नियुक्ति कानून का उल्लंघन की करके की जा रही, मेरी याचिका में जानती दीपक मिश्रा ने और जो सुप्रीम कोर्ट का सिक्योरिटी चीफ है मरवा, उसके साथ मिलकर मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा। इसके अलावा जब मैं नहीं रुका और इनके षड्यंत्र का पूरे देश को उजागर करता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो राष्ट्रविरोधियों से मिले हुए, देशद्रोही मिले, आतंकवादी छोड़ते हैं, देखो मोदी का हत्यारों कैसे छोड़ा, मैं सारा जब इनकी पोल पट्टी पूरे देश को खोलना शुरू की और ये देखो हिंदू धर्म पर कैसे अत्याचार हमला कर रहे हैं, दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं, मैंने पूरा साबित किया, मैं एक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर हूं और मुझे पता है कि प्रदूषण क्या होता है। कोयला जलता है तो कौन कौन सी गैस निकलती है, डीजल जलता है कौन कौन सी गैस जलती है भट्टियों में से, मुझे सब पता है। मैंने जब उन समय आंकड़ों को प्रस्तुत किया और दिखाया कि दिवाली से पहले दिन प्रदूषण के जो आंकड़े हैं वो दिवाली की रात को है, जो ही एयर क्वालिटी इंडेक्स अगले दिन है, और इससे 2-4, 10-20 ट्रक पटाखे फूकने में पर्यावरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बौखला गए और इन्होंने मुझे जबरदस्ती जेल भेजा है। मेरे व्हाट्सएप से एक संदेश गया केवल कि शरद अरविंद बोबड़े ने, जिसने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई है, पुलिस का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप संदेश गया कि उसके घर उसको जूते मारने चला है। जूते मारने यदि दो व्यक्ति सड़क पर झगड़ पड़ते हैं, जूतम पत्रम करते हैं, तो 100 रुपए का जुर्माने की सजा है, किंतु उन्होंने 14 महीने जेल में डाला है। एक अपराध में एक मुकदमा चल सकता है, हिंदुस्तान का अनुच्छेद 20 तो कहता है मूल अधिकार का। आप रुके तो नहीं, डरे तो नहीं, क्या लगता है लगातार आपके पास? देखिए, भगवान ने मुझे बताया है, सबको नहीं बताया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के